नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इतने वीडियो में सभी का स्वागत है। हम आ चुके हैं राजघाट और आप दिखाने वाले हैं आज के वीडियो में खिड़किया घाट। ये सामने देख सकते हैं लाल खान का रोजा है और यहाँ जाने के लिए आइए बैक कैमरे से सभी को दिखाते हैं। वीडियो पर नया है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं पूरा नज़ारा। ये सामने देख सकते हैं लाल खान का रोजा है। और ये है रास्ता खिड़किया घाट जाने के लिए, जो कि आप सभी सीधे जा सकते हैं खिड़किया घाट के लिए। आइए नीचे चल के दिखाते हैं। रास्ते में जाते समय ये आप सभी को बैठने के लिए देखने को मिलेगा, ये रास्ता है। और यहीं पे ढेर सारी दुकानें भी बनाई गई हैं फ्रेंड्स। ये है सीएनजी स्टेशन, जहाँ पे ऑटो और सीएनजी गाड़ियाँ यहाँ पे आसानी से सीएनजी भर सकती हैं। यहाँ पे ढेर सारी दुकानें खोल दी गई हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारी दुकानें ओपन हो गई हैं और सीधे जब जाएंगे तो आप सभी राजघाट ब्रिज के नीचे जाएंगे। और ये फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे ये सामने गेट है और यहीं पर सीएनजी स्टेशन भी है। ये चलते हैं, तो ये हम गेट पार करके आ गए हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है जो कि आप सभी देख सकते हैं। जब आप सभी खिड़किया घाट के लिए आएंगे तो दीवारों पे देख सकते हैं कि आकृति बनी हुई है भगवान शंकर, हनुमान जी और कृष्ण जी का, देख सकते हैं राधा और कृष्ण, पेड़ पौधे, बहुत ही अलौकिक दृश्य बना हुआ फ्रेंड्स। और यहाँ सीधे जाने के बाद आप सभी को स्केपलर भी देखने को मिल जाएगा, पेड़ पौधे देख सकते हैं जो अपने बनास की आकृति को उकेर दिया गया है यहाँ पे। तो ये फ्रेंड्स खिड़किया घाट। तो यहाँ पे ढेर सारे लोग संडे के दिन घूमने के लिए आए हैं और कुछ लोग वीडियो भी बनाने के लिए आए हैं फ्रेंड्स। तो नमो घाट कहें या खिड़किया घाट कहें, इस पे तीन स्केप्टर लगे हुए फ्रेंड्स, आदमी, औरत और बच्चे का। यहाँ पे काफी लोग आए हैं। घूमने के लिए ये नई गाड़ी आई है यहाँ पे। ट्रेन है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। और इधर आगे जो देख रहे हैं रेस्ट्रिक्ट एरिया जो है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पे, ढेर सारी तैयारियाँ चल रही हैं फ्रेंड्स, यानी फेज़ 2 का काम चल रहा है। यहाँ पे गोवर्धन घाट बन रहा है
एक गोवर्धनधारी मंदिर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। नहीं, जल्द से जल्द ये भी काम करने के लिए बोला गया है और आगे हेलीपैड भी बन रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं बारीकी से। इधर देख सकते हैं नया पत्थर लगाया जा रहा है, ढेर सारा वर्क। और नाव पे काफी लोग घूमने के लिए आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेम टाइप बनाया गया है छड़ों से। ढेर सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नाव बुक हो गया है यहाँ पे और तैयारियाँ चल रही हैं। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ढेर सारी नावें लगी हुई हैं। अगर आप सभी को दशाश्वमेध घाट की आरती देखनी है या फिर रस्सी घाट जाना है तो आसानी से जा सकते हैं।